हेलो एंड नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिमिलर मैट्राइसिस के बारे में। ये हमारे कोर्स का एक टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक्स पे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सिमिलर मैट्राइसिस। सिमिलर मैट्राइसिस क्या होते हैं? ए मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिमिलर टू ए, ठीक है। कोई मैट्रिक्स बी है जिसको हम कहते हैं सिमिलर किसके है? ए के। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, ठीक है। क्या एग्जिस्ट करता है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट बी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है। तो ये पी मैट्रिक्स जो है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या है, बी इक्वल्स टू, जब कोई मैट्रिक्स बी ए के सिमिलर होगा तो बेसिकली क्या होगा, जो बी बना होगा बेसिकली ऐसे बना होगा, ठीक है। पी जो होगा क्या होगा, पी बेसिकली एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा, अगर ए हमारा क्या है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि बी मैट्रिक्स हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो जो कोई एक मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब एक स्पेस में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जो क्या होगा, ए के साथ उसका क्या करेंगे, हम इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसके साथ पी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा वो बेसिकली क्या होगा, जो आएगा वो सिमिलर, ठीक है। सिमिलर का क्या सेंस है, एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए हमारा, ठीक। और हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स, अपने मन से एक मैट्रिक्स ले लिया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, ठीक है। अब क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो हमें पता है पी इनवर्स निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। पी अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो ठीक है, 1 1 0 एंड ये होगा, इसका इन्वर्स आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे P इनवर्स ए पी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो P इनवर्स क्या है हमारा, 1 3 0 1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम A से, 2 1 1 2, ठीक है। और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस P से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, या फिर लिख लेता हूँ फिर मल्टीप्लाई, 1 3 0 1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा ऐसे मल्टीप्लाई करते ये और ये, राइट। कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -3, तो ये क्या आएगा, -1, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 -6 क्या आएगा, -5। सेम ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, 0 और 1 1 आएगा, एंड सेम 0 एंड 2, तो 2 आएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा 1 3 0 1 से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -1 × -1 और ये हमारा 0 है, राइट। तो -5 × तो ये -1 होगा, ठीक है। -3 और -5 -8, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और आई गेस ठीक है, अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, हाँ ओके। और ये होगा 3 और +2 5, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये हमारा क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलेंगे, बी मैट्रिक्स, ठीक है। हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो ये दोनों सिमिलर कैसे, भाई कुछ है ही नहीं, इसके एलिमेंट अलग है, इसके एलिमेंट अलग है, बस यही एक ही एलिमेंट तो है जो सेम है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, अलग है। तो सिमिलर किस वे में, सिमिलर कह रहे हैं तो सिमिलर का मतलब क्या, एलिमेंट्स वगैरह तो सेम ही नहीं, दिख भी नहीं रहा, कहीं दूर दूर से दिख नहीं रहा कि सेम है, ठीक है। तो हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व क्या करते हैं कि अगर मैं इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं क्या आएगा, 4 - 1 यानी 3, ठीक। अब मैं इस वी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आएगा, -5 + 8 3। देख सकते हैं कि क्या है, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या है, सेम है, ठीक है। पर डिटर्मिनेंट ही नहीं, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम आएगी, जैसे कि रैंक हो गया, ट्रेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। तो उस वे में हम कहते हैं कि क्या है, सिमिलर, ठीक है। तो
हम समझते हैं। और सिमिलर मैट्राइसिस होने का एक और डेफिनेशन है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन बोलते हैं, अल्टरनेटिव डेफिनेशन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर मैप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर मैप के बीच में अचानक से हम इधर उधर कैसे भाग गए, हम एक लीनियर मैप का भी डेफिनेशन है, और वो क्या है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर, ठीक है, दो मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर इफ दे रिप्रेजेंट सेम लीनियर मैप विद डिफरेंट बेसिस। यहाँ ध्यान देना क्या कह रहे हैं, सेम लीनियर मैप, सेम लीनियर मैप विथ डिफरेंट बेसिस, ठीक है, यानी कि लीनियर मैप सेम होगा बट डिफरेंट बेसिस होगा। कहने का मतलब, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, तो लेट से टी एक मैप है यू से वी, ठीक है, और यू के दो बेसिस दे रखे हैं मेरे को, ठीक है, लेट से एक यू वन दे रखा है, एक यू टू दे रखा है, ठीक है। हमने सीखा है कि भाई अगर कोई मैप दे रखा है, ठीक है, और कोई बेसिस दे रखा है, तो उससे हम कैसे मैट्रिक्स जनरेट करते हैं, ठीक है, तो इसको से एक मैट्रिक्स हमारा जनरेट होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा चैनल पे जाके मैथ्स टू के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेम एक बेसिस यहाँ होगा तो उससे भी एक मैट्रिक्स होगा निकलेगा, ठीक है। ये जो दो मैट्रिक्स निकलेंगे ये बेसिकली क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। कहने का मतलब कि ये दोनों ही मैट्रिक्स जो आएंगे बेसिकली क्या होंगे, सेम लीनियर मैप को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सेम लीनियर मैप है बट क्या है, बेसिस डिफरेंट, तो डिफरेंट बेसिस है, डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगा, बट क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशंस होगा सिमिलैरिटी वाली, ठीक है, तो उन दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, क्या क्या चीज़ें सिमिलर होगा, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट विल बी सेम, ठीक है, उनका रैंक भी सेम होगा, ठीक है, और क्या सेम होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा, ठीक है, और ट्रेस सेम होगा, और क्या सेम होगा, आइगन वैल्यू। ये तीन के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट मैं दो चीज़ों के बारे, इन दोनों के बारे में आपको एक ओवरऑल ऊपर ऊपर का आइडिया दे देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोम क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारा, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो हम जब निकालेंगे ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, जब ये निकालेंगे तो एक पॉलिनोमियल बन के, ठीक है, कुछ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके एक पॉलिनोमियल बन के आएगा, वही होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ए और बी दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, मेन डायगोनल एलिमेंट का सम ऑफ ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका सम बेसिकली क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए दैट इज डिनोटेड बाय टी ऑफ टी आर ऑफ ए, ठीक है, टी आर ऑफ, तो यही हमारा है प्रॉपर्टीज और यही हमारा है सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि सिमिलर ट्रायंगल बी निकालने के लिए क्या बेसिकली है, कोई भी एक इनवर्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी ले लेंगे, उसके क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से, उसके साथ फिर क्या करेंगे, उसको पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगा, उसको बी नाम देंगे, और वो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगा, ए के सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलर कहने का मतलब क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारे पांचों प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे हैं, एंड मोर, ठीक है, एंड मोर भी है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कि क्या है, सिमिलर, ठीक है। और लीनियर मैप की बात करें तो लीनियर मैप में ये कॉन्सेप्ट है कि क्या है, लीनियर मैप सेम हो, डिफरेंट बेसिस हो, तो डिफरेंट बेसिस से एक मैप पे डिफरेंट डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, मैट्राइसिस को जनरेट कर सकते हैं। तो जो सिमिलर मैप पे दो अलग अलग बेसिस से जनरेट हुआ मैट्रिक्स जो होगा वो आपस में क्या होगा, सिमिलर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, बाकी के वीडियोज़ भी हम जल्दी अपलोड